सूरजपाल जाता उर्फ भोले बाबा की लगातार पोल खुल रही है और इस कदर खुलती जा रही है कि उसने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। बाबा के आश्रम की इनसाइड सत्संग की तस्वीरें सामने आई जिसमें नजर आ रहा है कि वो अपने असली अवतार में है। आसपास केवल और केवल महिलाएं मौजूद हैं, कोई पुरुष नजर नहीं आ रहा। वो खुद बाबा झूले पर बैठा हुआ है, वेशभूषा और रंगीन चश्मा उसने लगा रखा है और बाबा को पाखंडी मानने वाले लोगों का ये दावा है कि वह इसी तरह झूले पर बैठ जाता और महिला भक्तों पर डोरे डालने का काम करता, लेडीज स्पेशल सत्संग करता, पुरुष भक्त की एंट्री उसमें नहीं होती थी। ऐसे सत्संग की एक तस्वीर पब्लिक डोमेन में आ गई जिसके बाद अब बाबा पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बाबा ने इसको रोकने के लिए एक सेंसर बोर्ड भी बना रखा था। वो ऐसे सेवादार होते थे जो हर घटना पर निगाह रखते थे और अगर कोई गलती से इस तस्वीर को बना लेता तो उस तस्वीर को हटाने का या अपने कब्जे में लेने का काम इन्हीं लोगों के सेवादारों के द्वारा किया जाता। इस दौरान ये बाबा स्वांग रचता, खुद को कभी विष्णु का अवतार बताता तो कभी भगवान भोलेनाथ बता देता। इतना ही नहीं, ढोंगी कभी अपने आप को बजरंग बली कहने के लिए भक्तों को मजबूर करता तो कभी वो कृष्ण का रूप धर लेता और जबरन महिला भक्तों के साथ रास रचाया करता। उसके इस ढोंग की तस्वीर कभी हालांकि रिकॉर्ड नहीं हो पाती थी। बाबा का सेंसर बोर्ड ढोंग की तस्वीरों को वीडियो को फौरन कब्जे में ले लेता। बाबा के पूर्व सेवादार, उसके बितके हुए भक्त और बाबा के पाखंड से पीड़ित लोग जो कहानियां सुना रहे उसमें ये बाबा बड़ा खिलाड़ी दिखाई पड़ता है। राजदार ये भी बताते हैं कि बाबा मनगढ़ंत चमत्कारी कहानियां गढ़ता, उसके सेवादार और पिंक पल्टन इन्हीं किस्सों को सुनाकर भोले भाले भक्तों को फंसा लिया करते, जबकि बाबा खुद अपने माता पिता तक का सम्मान नहीं करता था। ना इसने अभी कभी अपने माता पिता के पैर छुए, ना ही अपने पिता के निधन के बाद ये अपने घर तक गया था। और तो और, बाबा आश्रम की चार दीवारी के भीतर क्या क्या करता था इसका पता किसी को न लग पाए इसके पुख्ता बंदोबस्त तक किए गए थे, लेकिन बाबा की तमाम कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। सूरजपाल जाटव की धाक जब जम गई थी तो उसने सरकारी खजाने को भी जमकर चूना लगाया। उसके ज्यादातर आश्रमों में बिजली चोरी करके इस्तेमाल की जाती थी। आरोप यह भी है कि राजस्थान के दौसा आश्रम में कटियाबाज सेवादार चोरी से बिजली का इस्तेमाल करते हुए पकड़े भी गए थे और तब बाबा के आश्रम की बिजली काट दी गई थी, कनेक्शन ही काट दिया गया था। और इसके बाद कनेक्शन बहाल तो हुआ, लेकिन इसके बाद भी बाबा के सेवादारों ने बिजली चोरी करना बंद नहीं किया। दौसा आश्रम के आसपास जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश भी की गई, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद बाबा को बचाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ जो हादसा हुआ उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस ने अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश की? सैकड़ों लोगों की मौत के जिम्मेदार क्या सिर्फ देव मधुकर ही है या फिर कोई और भी इसके लिए जिम्मेदार है? क्या लोकल पुलिस प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन पर अभी तक कोई लोकल पुलिस प्रशासन पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? हाथरस में सत्संग के लिए देव प्रकाश मधुकर, जो मुख्य सेवादार बताया जाता है, पुलिस और प्रशासन को एप्लीकेशन बाकायदा दी थी और उसको देखने से पता चलता है कि ये सीधे तौर पर सद्भावना समागम समिति से जुड़ा हुआ था और इस संगठन का मुख्य सेवादार था। यानी कि हाथरस में जो समागम हुआ वो तथाकथित बाबा का संगठन ही करवा रहा था, कोई निजी व्यक्ति या भक्त नहीं करवा रहा था, किसी ने प्रवचन के लिए बाबा को बुलाया नहीं था। और ऐसे में सवाल ये है कि पुलिस ने सिर्फ मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर के खिलाफ ही FIR दर्ज क्यों की? भगदड़ से हुई, सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, तो उस संगठन के मुखिया यानी बाबा के खिलाफ कोई FIR क्यों नहीं हुई? संगठन का वो मुखिया तथाकथित भोले बाबा जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हुई, लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है कि ऐसे बाबाओं का खेल अब और नहीं चल पाएगा। दरअसल आने वाले वक्त में जो कुंभ का आयोजन होने वाला है इसमें ऐसे बाबाओं की पोल खोलने का काम जो है वो चलने वाला है, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि 2025 में होने वाले कुंभ से पहले प्रयागराज में फर्जी बाबाओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और ऐसे में केवल भोले बाबा नहीं, भोले बाबा जैसे तमाम बाबाओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जो फर्जी बाबा हैं। भोले बाबा को लेकर साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तरफ से बड़ा फैसला हो सकता है। अखाड़ा परिषद भोले बाबा को जल्द ही फर्जी संत घोषित करेगा। लोगों से भोले बाबा जैसे फर्जी संतों से आगाह रहने की अपील की जाएगी। अखाड़ा परिषद जुलाई के तीसरे हफ्ते में प्रयागराज में बैठक करेगा। इस बैठक में भोले बाबा समेत संत और भगवान होने का दावा करने वाले कई भगवाधारियों और कथावाचकों को फर्जी बाबा घोषित किया जाएगा। अखाड़ा परिषद की बैठक प्रयागराज में कुंभ मेला प्रशासन के साथ 18 जुलाई को प्रस्तावित है
और इस बैठक से थोड़ा पहले या बाद में प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक होगी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी कहते हैं कि कुंभ मेला प्रशासन के साथ होने वाली बैठक में भी नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा जैसे फर्जी संतों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो अखाड़ा परिषद का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनके सामने भी इस मुद्दे को उठाएगा। मेला प्राधिकरण से अनुरोध ये होगा कि खुद को भगवान होने का दावा करने वाले जो फर्जी बाबा हैं उनको महाकुंभ में जमीन और दूसरी सरकारी सुविधाएं भी न दी जाएं। मेला प्राधिकरण को ऐसे स्वयंभू भगवानों की लिस्ट भी सौंपी जाएगी और इसे सार्वजनिक भी किया जा सकता है।